आज हम आपको बॉलीवुड के एक्टर पिता पुत्र की दर्दनाक अंत की जानकारी देने जा रहे हैं। पिता 70-80 के दशक का मशहूर विलेन हुआ करता था और वहीं बेटा 90 के दशक का जाना पहचाना नाम था। दोनों के मौत के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। इससे पहले हम कहानी शुरू करें, आप मेरा अभिवादन स्वीकार करें। सबसे पहले बात करते हैं पुरानी फिल्म के मशहूर विलेन यश राज की, जिनको आप उनके किरदार जुबिस्को के नाम से जरूर जानते होंगे। उनके दर्दनाक अंत के बारे में बताने से पहले आपको यूसुफ खान से यश राज बनने की कहानी याद दिलाते हैं। अगर आपने उनकी फिल्में देखी होगी तो आपको भी लगा होगा कि वो भारत के नहीं थे। जी हाँ, वो भारतीय नहीं थे, बल्कि वो मिस्र में पैदा हुए। 1 मई 1940 में वे जन्मे मिस्र में, और इस बेमिसाल एक्टर का असली नाम यूसुफ अबू शेख था। रंग गोरा चिट्टा और सदा हुआ शरीर, बचपन से ही उनको हीरो बनने का बड़ा शौक था। खासकर वहाँ भारतीय फिल्में बहुत चलती थी मिस्र में, और भारतीय फिल्मों को देख देख कर कहीं ये बड़ा हुए, और ये भारतीय फिल्मों में ही इन्हें आने का मन जगा। और 60 का दशक चल रहा था, वो 25-26 साल के रहे होंगे, पैसा इकट्ठा किया और मिस्र छोड़कर वे भारत आ गए और फिल्मों में अपना भाग्य आजमाइश करने लगे। वो माया नगरी पहुंचते हैं, न हिंदी आती है, न किसी से जान पहचान है। हीरो बनने के लिए उनका जो भटकना है, उनका जो भटकाव है, वो शुरू हो गया। हिंदी सीखने लगे, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऑफिस का चक्कर काटने लगे। जहाँ भी जाते, कद काठी और पूरा चिट्टा शरीर को देखकर लोग मुड़मुड़ कर देखते, लेकिन कोई काम नहीं देता। करीब 2 साल के ऐसे ही भटकते रहे। 2 साल के ऐसे ही भटकाव के साथ उनका एक दिन किस्मत ने साथ दिया। 1967 के आसपास की बात होगी। डायरेक्टर गीता की नज़र उन पर पड़ी और उन्हें हीरो बना दिया। 1969 में फिल्म आई जंगल की हसीना, मगर फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई और यूसुफ फिर पहचान बनाने के लिए भटकने लगे। उनकी दोस्ती कुछ फिल्मी कलाकारों से हो गई थी। दोस्तों ने उन्हें सलाह दिया कि यार अपना नाम बदल लो तो शायद काम बन जाए। उन दिनों फिल्मी सितारों के बीच फिल्मी नाम रखने का बड़ा शौक था, प्रचलन था। यूसुफ को भी ये बात समझ में आ गई और उन्होंने अपना नाम यूसुफ अली शेख से बदलकर यश राज रख लिया। अब उसे इस्तीफा कहें या नसीब, उनकी किस्मत वाकई नए नाम से बदलनी शुरू हो गई। उनको फिल्मों में रोल मिलना शुरू हो गया। 1970 के आसपास महमूद एक फिल्म बना रहे थे। महमूद ने अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा को साइन करा लिया था। बस उनको बॉक्सर के रोल के लिए एक नया चेहरा चाहिए था। यश राज बन चुके यूसुफ उनसे मिलने गए और वो महमूद को पसंद आ गए। फिल्म आई बॉम्बे टू गोवा, जिसमें उन्हें पारसी सर जॉन की भूमिका में नजर आए। सर जॉन पारसी का रोल मिला उनको। उनका महमूद के साथ फाइटिंग सीन बड़ा मशहूर हुआ और वो पहली बार दर्शकों के बीच यूसुफ की पहचान बन गई। महमूद को वो इतने पसंद आए कि अगली फिल्म में भी गरम मसाला में उनको रोल दे दिया। इसके बाद उनको फिल्में मिलनी शुरू हो गई, जैसे 1973 में नैना, 1974 में दो फूल और दुनिया का मेला, 1975 में धर्मशाला और 76 में हरफन मौला। ये अलग बात थी कि वे हीरो बनने आए थे लेकिन विलेन बन गए, लेकिन फिल्मों में काम इनका अब यहाँ से प्रारंभ हो गया। मगर 1977 में एक फिल्म आई जिसमें उनकी पहचान ही बदल डाली। मशहूर डायरेक्टर मनमोहन देसाई, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और ऋषि कपूर को लेकर एक फिल्म बनाने जा रहे थे। ये बड़ा ही मशहूर फिल्म था उस जमाने का। उन्होंने यूसुफ को बुलाया और बड़ा किरदार यूसुफ को दे दिया।
बस यहीं से उनका सितारा बुलंद हो गया। फिल्म थी अमर अकबर अंथोनी और यूसुफ को परवीन बॉबी के बॉडीगार्ड के रूप में रोल मिला। उसका नाम था जुबिस्को इसका नाम था। फिल्म तो सुपरहिट हो गई मगर यूसुफ का जो किरदार था वो भी हिट हो गया। इस फिल्म के बाद जुबिस्को के नाम से ही उनकी पहचान बन गई। इसके बाद तो यूसुफ ने एक से एक बढ़कर सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जैसे परवरिश, विश्वनाथ, डॉन, देश परदेश, मुकद्दर का सिकंदर, नसीब, डिस्को डांसर, बॉक्सर। इन फिल्मों के जरिए 70 और 80 के बड़े खलनायकों की लिस्ट में यूसुफ भी शामिल हो गए। उनका कैरियर हर साल नया उड़ान भरते जा रहा था। फिर अचानक एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई और सब कुछ तबाह हो गया। यूसुफ खान ने भारत में ही शादी की फैजान नाम की लड़की से। दोनों के 3 बच्चे थे, फराज, फहद और फाया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। साल 1985 की बात है, वो एक फिल्म के शूटिंग करने गए हुए थे। सुबह से शूटिंग शुरू हो गया और सीन शूट किया जा रहा था जिसमें यूसुफ का भी सीन था। सेट पर यूसुफ बिल्कुल तैयार खड़े थे, शूटिंग चल रहा था। अचानक यूसुफ की तबीयत जो है वो बिगड़ने लगी। उनके सिर में अचानक दर्द होने लगता है और वो स्टेज पर ही, शूटिंग स्थल पर ही वो गिर जाते हैं। उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है और डॉक्टर ने बताया कि उनकी मौत हो गई। दरअसल उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था। सिर्फ 45 साल की उम्र में मशहूर नेता की मौत हो जाती है, बड़ा ही दर्दनाक मौत जिसे कोई विश्वास नहीं कर पाता है उस समय। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि पिता जैसे ही किस्मत लिखाकर उनके बेटे ने भी लाया था। 1987 के आसपास की बात है, राजश्री जैसे बड़े प्रोडक्शन की फिल्म बनने जा रही थी, मैंने प्यार किया। लीड रोल का ऑडिशन चल रहा था, 50 हीरो लाइन में लगे थे। उनमें सलमान खान, बिंदु दारा सिंह से लेकर दीपक तिजोरी भी थे। इनके साथ ही 17-18 साल का खूबसूरत लड़का जिसकी एक्टिंग को देखते ही सूरत बड़जातिया सब भूल गए और लड़के को सेलेक्ट कर लिया। मगर तकदीर ने ऐसी पलटी मारी कि यह खूबसूरत सा लड़का बाहर हो गया और सलमान खान हीरो बनकर रातों रात सुपरस्टार बन गए। उस युवक की जिंदगी बदकिस्मती के साथ जुड़ा रहा, बस बदकिस्मती ने उसका साथ नहीं छोड़ा। बात हो रही है बॉलीवुड के अभिनेता फिरोज खान के, जो 1990 के दशक का हिंदी सिनेमा का जाना पहचाना चेहरा बन गया था। 27 मई 1970 को मुंबई में पैदा हुआ फराज यूसुफ खान का सबसे बड़ा बेटा था। पिता फिल्म में थे तो बेटा भी को भी फिल्मी एक्टिंग का शौक चढ़ गया था। उसे खास बात यह थी कि उसका चेहरा और कद काठी हीरो जैसा ही था। किस्मत ने उसको धोखा ना दिया होता तो रुतबा कुछ और होता। रानी मुखर्जी के साथ 1998 में मेहंदी। फराज फिल्म के हीरो थे लेकिन उनका किरदार दहेज लोभी पति का था। फिल्म खूब चली पर इनकी छवि नेगेटिव हो गई। इसके बाद राजश्री प्रोडक्शन का एक फिल्म मैंने प्यार किया ने सलमान खान को सुपरस्टार बना दिया और वो फिल्म सलमान खान को मिली ही नहीं थी जिसका वो हकदार हो गए। मैंने प्यार किया का असली हीरो का नाम था फराज खान। बदकिस्मती उनको ले डूबी। हुआ यूं कि सूरज बड़जातिया ने बतौर हीरो उनको साइन करा लिया था, एडवांस के तौर पर फी भी दे दिया था। जिस दिन शूटिंग शुरू होना था उससे अचानक एक दिन पहले सूरज बड़जातिया को ये पता लगता है कि फराज की तबीयत ठीक नहीं है, वो कई दिनों से बीमार चल रहे हैं। डायरेक्टर ने खबर कराया और फिर इंतज़ार किया पर समय से ये नहीं आ सके। राजश्री वालों को बड़ा फैसला लेना पड़ा अंत में और फराज की जगह सलमान खान को हीरो बना दिया गया। इस फिल्म ने रातों रात सलमान खान को सुपरस्टार बना दिया क्योंकि ये फिल्म उस समय का सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक हो गई और ये फिल्म सुपरहिट हो गई। अगर फराज की तबीयत न बिगड़ी हुई होती तो मैंने प्यार किया का हीरो फराज ही होते और शायद कहानी कुछ और होती। खैर,
कुछ साल बीती और फिर उनकी लॉन्चिंग की तैयारी शुरू हो गई। 1994 के आसपास की बात है। विक्रम भट्ट फिल्म बनाने जा रहे थे। उनको लीड रोल के लिए एक्टर चाहिए था जो देखने में डॉक्टर जैसा लगे। फराज ऑडिशन देने पहुंचते हैं। विक्रम को उनके भीतर अपना हीरो नज़र आया और बस इनको फिल्म में साइन करा दिया। 1996 में आई फरेब हिट हो गई, मगर डॉक्टर बने फराज से ज़्यादा मशहूर हो गए विलेन इंस्पेक्टर बने मिलिंद कुनाजी। खैर उसके बाद इनकी फिल्म आई कि चार फिल्में आई, दुल्हन बनू मैं तेरी, फिर याद किया, बाजार और चांद बुझ गया, पर कोई भी फिल्म नहीं चल पाई। इनको फिल्में मिलना बंद हो गया, घर चलाना इनको मुश्किल हो गया। इन्होंने अपना रुख टीवी की तरफ किया। कुछ दिन सब कुछ ठीक चला, लेकिन तबीयत इनकी खराब होने लगी। बार बार तबीयत खराब होने की वजह से इनको काम मिलना बंद हो गया। फिर एक दिन अचानक पता चला कि ये बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती हैं। उनके सीने में इन्फेक्शन हो गया है जो सीने से होते हुए दिमाग तक फैल गया है और उनकी तबीयत खराब हो गई है। वो अपने भाई को भी नहीं पहचान पा रहे थे। उनको इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तब सलमान खान ने 25 लाख रुपया देकर अस्पताल के बिल चुकाए थे। लगभग एक महीने के भर्ती के बाद 4 नवंबर 2020 में 49 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इतने कम उम्र में पिता की तरह पुत्र फराज का खान की मौत उनके चाहने वालों को हैरान कर दिया। दोस्तों, आपको यूसुफ खान और फराज खान कैसे लगते थे? आपको दोनों की कोई फिल्म या किरदार याद है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूं। मैं संजीत कुमार सिंह आपको ये कहते हुए मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपको आपके पास बेहिचक बिना रुकावट के पहुंच सके। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।